हमारे बॉर्डर एरिया जितना भी है
चाहे वो पुंछ से लेकर कठुआ तक, अगर सभी के पास हथियार होंगे तो वो सेना से पहले लड़ने वाले सैनिक वो बनेंगे, वो आतंकवादियों को क्रॉस नहीं करने देंगे। तो सबसे बड़ी मांग हमारी केंद्र सरकार से है कि जल्द से जल्द लोगों को गन लाइसेंस जो है वो मुहैया करवाया जाए, ताकि देश की सुरक्षा जो है और पुख्ता हो। राकेश जी, अगर अमेरिका के लाइसेंस प्रोवाइड की जाए, क्या ये समाधान है? जिस तरह से यात्रियों की बताई थी पौनी में जर्नी के उन पर अटैक किया गया, जिसमें 10 यात्रियों की जान गई, 33 जख्मी हुए, तो क्या उन्हें भी हथियार रखने के आना चाहिए यहाँ पर? देखिए, मैंने जम्मू के लोकल लोगों के लिए कहा है, ये आतंकवादी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, बॉर्डर में हमारे सैनिक सेकंड दर्जे के सैनिक जो है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, अगर उनके पास हथियार होंगे, जिस प्रकार से सूचना आती है कि कोई ना कोई हथियार वाला व्यक्ति देखा, तो हमारे लोग उसी समय उसको पकड़ सकते हैं, उसी समय उसको डेट कर सकते हैं। तो ये समाधान कुछ हद तक हो सकता है, तो हथियार मुहैया करवाना ये हमारी मांग है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना ये पूरे देश की मांग है। क्योंकि लगातार भारत सरकार कह रही हालात सामान्य है और आतंकवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बाद भी लगातार घटनाएं हो रही है, तो किस तरह जवाब? हालात कहाँ सामान्य है मुझे बताइए, 72 घंटे के अंदर तीन हमले कहाँ से सामान्य हो गए? किस तरह से भारत सरकार को अब जवाब देना होगा? अरे, भारत सरकार से मैं ये मांग करता रहा हूँ, हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमला कीजिए, पाकिस्तान को खत्म कीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए। ये मेरी मांग नहीं, ये जम्मू के लोगों की मांग नहीं, ये पूरे देश के लोगों की मांग है। आज लोग सड़कों के ऊपर है, आपने देखा कि जब रियासी के अंदर हमला हुआ, उसके बाद किस प्रकार से देश के अंदर जगह जगह धरने प्रदर्शन, चाहे वो राजस्थान, दिल्ली, चाहे कहीं भी हो, हर प्रदेश के अंदर जो है वो प्रदर्शन हुए जी। क्यों? उनकी एक मांग है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, मोदी जी से मांग कर रहे हैं। जम्मू को भी कश्मीर की तरह बनाने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कश्मीर की तरह जम्मू तो बनेगा नहीं, यहाँ के लोग लड़ने वाले हैं, मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आप हीरानगर से ही देख लीजिए, लोगों ने हार नहीं मानी और इन आतंकवादियों को उसी समय जो है वो दौड़ाने का काम किया, जिसमें हमारा एक जो है सिविलियन वो घायल भी हुआ। उनकी कोई डिमांड जो है उन लोगों ने नहीं मानी। तो यहाँ के लोग लड़ने वाले हैं, वो झुकने वाले नहीं है, यहाँ के लोग देशभक्त हैं, वो आतंकवादियों की बात कभी नहीं होने वाली। सर्जिकल स्ट्राइक होना जरूरी है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, हमें हमला चाहिए, हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए, हमें पीओजे के हमारा वापस चाहिए, ये मांग है हमारी। इस समय आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता द्वारा यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, 72 घंटों में लगातार आतंकी हमले हुए, पहला रियासी के पौनी में हुआ, उसके बाद अगर कठुआ हीरानगर की बात करें, और तीसरा जो है अगर बात करें डोडा में हुआ, तो कहीं की राजनीति बजरंग जी कह रहे हैं कि जो सीमावर्ती इलाके वहाँ के लोगों को मुहैया किया जाए, ताकि सुरक्षा बल पुलिस घुसने से पहले वो दोहन करे और